गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो हाई ऑन मी ने पूरे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए है। इस सॉन्ग पे इंदी बख्शी का कुछ ऐसा रिएक्शन आया है, उन्होंने इस सॉन्ग में हनी पाजी की एनर्जी की तारीफ करी है। इसके अलावा मोहम्मद शामी ने भी हनी पाजी के मिलियनेयर सॉन्ग पे कुछ ऐसी स्टोरी लगाई है जिसमें लिखा है व्हाट आ कमबैक। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई साहब अभी अभी इंदीप भाई के दो तीन और इंटरव्यू सामने आए हैं जिसमें उन्होंने हनी पाजी और जियान को लेके ऐसी ऐसी चीजें रिवील करी हैं जो कि आज से पहले किसी को भी नहीं पता थी। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि जियान उनसे 11 लाख रुपए लेके भाग गया, मतलब जो इल्जाम जियान ने हनी पाजी के ऊपर लगाया था वो एक्चुअली में जियान ने खुद इंदीप के साथ किया है। इन 11 लाख में से 4-5 लाख रुपए तो गिरफ्तार लेने आया था। इसके आगे वो बोलते हैं कि सैटरडे सॉन्ग में जो रैप था उसमें जियान ने हनी पाजी के डोप शॉप की लाइंस चुराई थी। साथ में डीजे वाले बाबू सॉन्ग भी उसका गाना नहीं है, वो इक्का भाई का सॉन्ग था। ये चीज इंदी बख्शी को सचिन तक्कर से पता चली थी जिसने जियान के काफी सॉन्ग्स का म्यूजिक दिया है। अभी रिसेंटली इन्होंने बोला ना एक इंटरव्यू में कि यार मुझे क्या करना हनी से, क्या है क्या नहीं, है ना। उसके बाद तो मैं ही लिखता था, मैं ही हुआ। अगर ना करना होता मेरे सैटरडे में जो रैप है वो रैप ये नहीं, रैप के बीच में पूरा था जो हनी पाजी का गाना आया था हूज दैट गर्ल लोकी पुछ दे रहे ने, मेरे गाने में डाल दिया था उन्होंने एज अ डिस ताकि गाना इनकी वो ग्रज निकल जाए, गाना फेमस हो जाए। कहोगे मैं सुना okay. सुना दो भाई जी। भाई अनसेंसर्ड सैटरडे वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी देता हूं इसको इसको गाड़ी के लंबी से म्यूजिक के लिए लाऊं, ये चाहती हूं कि क्रम में जहां होता ना का क्राउड बट आई डाउट टू दैट गर्ल लुक की पूछ दे रहे नचे पड़े हाथा में सैंडल। तो ये रैप था सैटरडे का ब्रो। ओके बैठे करे मैं कहा यार मैं ओ भाई मतलब इसको कहते हैं स्टार्टिंग से ही पोकिंग करना, और मुझे अगर करनी होती ना ब्रो तो मैं इन्वॉल्व होता। आज तक इन्होंने जो भी बातें बोली मैंने कभी जिंदगी में कोई इंटरव्यू में किसी ने पूछा भी मेरे से, जब तक मेरे साथ कोई चीज नहीं हुई मैं इन पर्सन नहीं मिला नहीं जानता मैं कैसे बोल दूं ना। हां ये आपने कितने दिए पैसे यार मैं ना सच बताऊं तुम ना हिसाब भी नहीं होगा। सैटरडे के अकेले अकेले ही मेरे नाना घर के 11-10 गिफ्टी मतलब 22-23 लाख रुपए तो उसी में चले गए थे, जिसमें से मैंने 5 लाख तो एक जगह भी सिर्फ बादशाह को दिए थे, मास्टरिंग के अलग दिए थे जो मुझे बाद में पता लगा था मास्टरिंग में हुई भी नहीं, उन्होंने कहा था बाहर से नहीं। उसके बाद एल्बम के लिए 11 लाख लग गए थे 11 लाख रुपए एंड मेरे ख्याल से 4-1 लाख पे रफ्तार लेने आया था मेरे से रेडिसन होटल। 4 लाख थे 5 लाख थे रफ्तार जरूर आया था, पेमेंट लेके गया था मेरे से कि ये बादशाह बाजी वाली जो डील हुई थी एंड उसके बाद पेमेंट लेके भाई साहब गायब। आप मेरे को एक बात बताओ, बंदा कह रहा है मैं 2007 से इंडस्ट्री में हूँ और 2016 में उसने म्यूजिक बनाना सीखा है और 2012 में उसने कोई गाना बनाया था जो चोरी तब हुआ और 2017 में रिलीज हुआ और 24 में उसका म्यूजिक आ रहा है कोई सेंस है इस बात की? 2012 में बना, 2017 में रिलीज हुआ, 2024 में उसका दोबारा म्यूजिक आता है और उसके इंटरव्यू में बताया जाता है कि जो मेरा 2012 का गाना था वो 2015 में चोरी हुआ। एक था डीजे वाले गाना था इक्का का, तो ये कैसे पता लगा हमने म्यूजिक यूज किया तो मैंने सच्ची को एक चीज बोली, मैं कहा ब्रो देख पिछले सैटरडे में ना बहुत भसड़ हुई, फाइलें यहाँ नहीं है वहां नहीं है, आप मेरे स्टूडियो काम करोगे यही बीट बनेगी यही गाना बनेगा और उसके बाद कहीं नहीं जाएगा कोई कुछ नहीं चाहिए। सो अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना, बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।